गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ केयर टिप्स पेश रहे आई होप यू आर डूइंग ग्रेट सो गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आर स्किन केयर रिज्यूम दैट इज सनस्क्रीन जिसको सनस्क्रीम भी बोलते हैं या फिर सन ब्लॉक भी बोलते हैं गाइज मॉइस्चुराइजर्स टॉनर्स फेस वॉश ये सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस रूटीन इज सनस्क्रीन या सन ब्लॉक को अप्लाई करना बट ये होती क्या है बेसिकली जैसा इसका नाम बता रहा है सन ब्लॉक यानी सन से आने वाली जो भी रेज हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं हैं, उनको ब्लॉक कर देना यानी हमारे स्किन के अंदर एंटर ही ना होने देना बेसिकली ये क्रीम फोम में आती है या आजकल स्प्रे में भी आ रही है जेल फोम में भी आ रही है जिसको हम हमारे बॉडी के हमारे फेस के जो भी एक्सपोज पार्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमारी स्किन यू वी रे से प्रोटेक्ट हो सके सनस्क्रीन क्या होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है हमारे स्किन के ऊपर जो कि यू वी एंड यू वी बी रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है एंड इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स गाइस देर आर टू टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन सनस्क्रीन भी दो तरीके की आती हैं फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिजिकल सनस्क्रीन वो होती हैं उनके अंदर ऐसे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जो बेसिकली कोई भी अगर यू वी लाइट आ रही है उनको रिफ़्लेक्ट कर देती है यानी ये हमारी स्किन है यू वी लाइट आई सनस्क्रीन लगाई हुई है तो वो यहाँ से आकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी बट केमिकल सनस्क्रीन कौन सी होती है जो कि ये जो लेयर है सनस्क्रीन की जो हमने लगाई है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है बेसिकली यही डिफरेंस होता है दोनों सनस्क्रीन्स में अगर किसी सनस्क्रीन के ऊपर मेंशन है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इट मीन्स ये हमें यू प्लस यू लाइट दोनों से प्रोटेक्ट कर रही है अब अगर हम सनस्क्रीन परचेज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके अंदर क्या चीज़ देखनी है जो कि उसके अंदर होनी ही चाहिए दी मस्ट है फ़र्स्ट सनस्क्रीन एस पी एफ थर्टी या थर्टी प्लस है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए थर्ड वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि हल्का सा पानी लगा फेस पे और वो वहाँ से हट गई है उसका काम ख़त्म हो गया नहीं किसी को ना स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए दी मस्ट है कि वो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन ही यूज़ करें नेक्स्ट कोई भी एडिड फ्रेग्रेंसेज या सिलिकन्स या कोई भी मिनरल ऑयल्स वगैरह उनके अंदर ऐड नहीं होने चाहिए सल्फेट्स पैराबीन्स डाइज ये सब भी अगर ना हो तो बेहतर होगा हमारी स्किन के लिए अब सनस्क्रीन लगा लेंगे ठीक है अगर नहीं लगाएंगे तो तो क्या फर्क पड़ेगा फर्क पड़ेगा देखो बचपन में तो मैंने भी शायद सनस्क्रीन कभी यूज नहीं की होगी जस्ट फेस वॉश करते थे या कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते थे और स्कूल कॉलेज के लिए निकल लेते थे बट अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें पता चल रहा है कि सनस्क्रीन की अपनी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे स्किन के लिए अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा हमारी स्किन एज करना स्टार्ट कर देगी यानी जल्दी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी फाइन लाइंस, रिंकल्स इन सब की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी अब ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन हमें सिर्फ प्रोटेक्ट ही करती है सनस्क्रीन के अंदर और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को हील भी करती है हमारे स्किन के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको भी ट्रीट करती है तो ये हुआ सनस्क्रीन के बारे में अब मैं बात करती हूँ जो सनस्क्रीन मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट तो मिनिमलिस्ट की ये सनस्क्रीन है विच इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिनिमलिस्ट सनस्क्रीन इज विद एस पी एफ फिफ्टी जिसके अंदर नाया भी है साथ ही साथ विटामिन बी फाइव एंड विटामिन एफ भी है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट नेक्स्ट पी ए प्लस 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 ये रेटिंग्स होती है बेसिकली जो कि सनस्क्रीनस को मिलती हैं अगर ये फोर प्लस है ना विच मीन्स बहुत अच्छी सनस्क्रीन की कैटेगरी में आती है नेक्स्ट इसमें मैंशन किया हुआ है कि दिस इज़ फॉर ऑल्ड स्किन टाइप्स अब ठीक है ओल्ड स्किन टाइप्स इसको यूज़ कर सकते हैं बट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू मी ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन एंड कंबिनेशन के लिए तो अच्छी है ही है बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो देखो मैंने तो इसको ना विंटर्स में यूज़ करना स्टार्ट किया है तो विंटर्स में तो हमारी स्किन वैसे ही ड्राई हो जाती है तो उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है तो इन दैट केस दिस इज़ वेरी हेल्पफुल क्योंकि ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी देती है स्किन को बट अगर हम समर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर मुझे लगता है कि ये ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा ग्रीसी हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर देती है स्किन को तो आ, विंटर्स में मैं यूज़ कर रही हूँ विंटर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी है समर्स में मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया तो समर्स का मैं आपको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि समर्स में ऑयली स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है बट अब इन दिनों मेरी ड्राई चल रही है तो उस केस में तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है बट हाँ अगर आप समर्स में इसको यूज़ करना चाहते हो आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्या कर सकते हो आप अपने मॉइस्चराइजर को स्किप कर सकते हो तो इन दैट केस ये मॉइस्चराइजर का भी काम करेगी प्लस आज रात सन ब्लॉक तो है ही है इट्स फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस सिलिकन्स पैराबीन सल्फेट्स डाइज एसेंशियल ऑयल्स यानी ये हार्मफुल जो भी हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है ना वो सब इसके अंदर नहीं है तो आप इस साइड से तो आप बेफिक्र इसको यूज कर सकते हो टेस्टेड है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है सेफ टू यूज नॉन इरिटेंट नॉन इरिटेंट की बात करें तो मेरी स्किन के ऊपर भी इसका कोई इरिटेशन वगैरह मुझे फील नहीं हुई पीएच पीएच ये सिक्स टू सेवन है विच इज अगेन ऑन द गुड साइड तो इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कीजिए क्लेंज फेस के ऊपर यूज़ कीजिए हमें पता ही है सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर जो भी आप अप्लाई करते हो उसको अप्लाई करने के बाद इसको यूज़ कीजिए इसने कहा हुआ है कि आप इसको बाहर जाने से डायरेक्ट सनलाइट में जाने से 15 मिनट्स पहले एटलीस्ट आप इसको अप्लाई कर लो बट अकॉर्डिंग टू मी मैं ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स पहले ही इसको अप्लाई करती हूँ कोई भी सनस्क्रीन हो फो एडिड प्रोटेक्शन री अप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूड सन एक्सपोजर बेसिकली कहा जाता है कि अगर आपका कंटिन्यूस सन एक्सपोज़र है तो आपको थ्री आवर्स के बाद एक बार इसको रीअप्लाई कर लेना चाहिए क्योंकि जो कोई भी सनस्क्रीन होती है ना वो अपना काम तीन घंटे तक ही कर पाती है उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है इसलिए हमें सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना पड़ता है हमने इसके बारे में इतनी बातें कर ली हमने प्राइस पॉइंट तो देखा ही नहीं बेसिकली दिस इज़ 50 ग्राम्स जिसकी एम आर है अब मैं बात करती हूँ इसके टेक्सचर के बारे में सो so, इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी है क्रीम कल वाइट कलर का इसकी क्रीम है लाइट वेट फॉमूला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फेस के ऊपर कितना हैवी फील होगा नहीं ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ईजिली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाता है साथ ही साथ कोई भी वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता क्योंकि बहुत सी सनस्क्रीन ऐसी होती हैं जिसको लगाने के बाद ना फेस वाइट वाइट सा हो जाता है ऐसा लग जाता है कुछ ना मेकअप किया या कुछ वाइट वाइट अप्लाई किया बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है आप बेफिक्र गए इसको यूज़ कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज़ कीजिए नो इशूज़ अब मैंने बताया था कि दिस सनस्क्रीन इज़ विद नायासनेमाइड अब नायासनेमाइड बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे स्किन को हील करने में बहुत इफेक्टिव है स्किन के ऊपर कोई भी अगर हाइपर पिगमेंटेशन है एक्ने हैं स्कार्ज हैं कोई मार्क्स हैं ब्लैक स्पॉट्स कोई हैं तो उनको ट्रीट करने में बहुत 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 इफेक्टिवली वर्क करता है उसके बाद इसके अंदर विटामिन बी फाइव एंड विटामिन एफ है ये हमारी स्किन को बेसिकली सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है स्किन को मतलब एज अ बेबी लाइक सॉफ्ट स्क्रीन स्किन होती है ना वैसे ही कर देता है तो ये दोनों ही इन्ग्रीडियंट्स स्किन के लिए बहुत तो बहुत अच्छे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि आप इसको एज अ सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर भी इसको यूज़ कर सकते हो मुझे ये सनस्क्रीन विंटर्स में तो बहुत अच्छी लग रही है अब समर्स का जब मैं समर्स में यूज़ करूँगी मैं भी तब आपको इसका रिव्यू दे पाऊँ बट विंटर्स में ये बहुत इफ़ेक्टिवली क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है फिर भी ये इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है तो आई होप मुझे जितनी नॉलेज थी या मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर तो आप कर ही दोगे आई नो बट चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपको ऐसा कंटेंट देखने में मज़ा आता है अच्छा लगता है आपके लिए इफ़ेक्टिव होती वीडियोस तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएँ अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बब बाय टेक केयर एंड या गाइज मेरे चैनल पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप बता रही हूँ जो कि रूटीन में हम कर सकते हैं यानी हमें कहीं वेडिंग uh, सेरेमनी में जाना है किसी फंक्शन में जाना है किसी जागरण में जाना है या कोई ट्रेडिशनल कहीं भी जाना है तो हम उस मेकअप को ईजिली घर पर ही कर सकते हैं और हम उस मेकअप को कैरी कहीं भी कर सकते हैं अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर